नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्ब न्यूज़। क्या आपने सुना है कि जहां पानी, बिजली, हवा, शाम और बैठने की व्यवस्था ही न हो, वहां के लिए सरकारी आदेश आते हैं कि आज से सब्जी की बोली नई बनी कृषि उपज मंडी समिति में होगी। आनन फानन में आपदा प्रबंधन की टीम को भी दिन रात ड्यूटी के लिए वहां पर लगा दिया गया है। मज़ेदार बात है कि जब कलम न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो न तो वहां कोई बोली हुई और न ही वहां पर कोई बैठा, फिर भी सब्जी मंडी की सुरक्षा में जवान तैनात कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीम से कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मौके पर कलम न्यूज़ की टीम को न तो वहां कोई छाया दिखी, न वहां बैठने की कोई व्यवस्था दिखी। इस भयंकर गर्मी और कोरोना काल में पीने का पानी भी वहाँ नसीब नहीं होता है, न बिजली है। ऐसे में सरकारी आदेशों को कैसे सही ठहराया जा सकता है? फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकारी आदेश देने वाले अधिकारी इस पर गौर करेंगे या आंख मूंद कर बस ऑर्डर पर ऑर्डर जारी करते रहेंगे। यह है हालात। नई बाईपास पर सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के जो आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन के स्तर से, वहाँ पर खुला मैदान है, कुछ भी नहीं है। वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी, बिजली कुछ भी नहीं है, फिर भी इस स्थान पर कृषि उपज मंडी कैसे होगी शिफ्ट? यह है सबसे बड़ा सवाल। हालांकि सब्जी मंडी के व्यापारी भी इस पर अतराज उठा चुके हैं और वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने भी एक वारगी तो मना ही किया है कि प्रशासन को पहले वहाँ पर प्रबंध करने होंगे और बैठने, छाया, पानी, बिजली सब तरह की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद ही कृषि उपज मंडी ने जो आदेश जारी करवाए हैं वह लागू करें। सब्जी मंडी के व्यापारियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ पर सब्जी मंडी को चलाना है मुश्किल। अब देखना होगा कि प्रशासन के स्तर से क्या वहाँ किसी प्रकार की कोई जो कमी है उसको पूर्ति कर व्यवस्थाएँ की जाती है। जैसी प्रकार खाली प्लाट, खाली मैदान के अंदर सब्जी मंडी को व्यापारियों को और दुकानदारों को वहां जाकर बिठा दिया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।